नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ये देख सकते हैं कि 1 मार्च 2023 को प्रधान सचिव का एक बैठक हुआ था, उसमें सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्च को स्टेट लेवल का मीटिंग बुलाया गया था। 1 मार्च के क्या क्या चीज़ निर्णय हुआ है उस पर मैं एक झलक मैं आपको देना चाहूँगा विस्तार से। अलग अलग टॉपिक उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि विशेष निर्देश दिया गया है कि जिला उद्योग केंद्रों की जिलावार रैंकिंग, आपको पता है हर महीने जिला उद्योग केंद्रों का जिलावार रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें 70 अंकों के साथ शिवहर प्रथम स्थान पर है, नालंदा आपका 67 है, और ये दोनों नालंदा और समस्तीपुर दोनों का 67 नंबर आया है, इसलिए दोनों हो गया। और तीसरा स्थान पर आपका मुंगेर हो गया तीसरा स्थान पर, और किशनगंज हो गया चौथे स्थान पर। तो जिलावार रैंकिंग में टॉप में आप देखेंगे कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि शिवहर मेरे भाई, तो शिवहर जो है ना प्रथम स्थान है 70 अंकों के साथ। ऐसे ही दो है आपका, एक नालंदा हो गया, एक आपका नालंदा और एक है आपका समस्तीपुर। तो दोनों क्या है मेरे भाई, समस्तीपुर और नालंदा दोनों का 67 नंबर आया है, इसलिए दोनों क्या है कि दो स्थान पर हैं। इसके बाद तीसरा स्थान पर मुंगेर को रखा गया है, मुंगेर तीसरा स्थान पर है, और चौथा स्थान पर आपका किशनगंज हो गया, किशनगंज हो गया चौथे स्थान पर। तो इस प्रकार से ये टॉप हो गया। बॉटम में मैं बात करूँ तो नीचे से 27 अंकों के साथ आपका अंतिम स्थान पर देखा जाए तो रोहतास अंतिम स्थान पर है। इसमें मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण जो टॉप जो नीचे से टॉप है ना, 5-6 जिलों में शामिल हैं। इसके बाद आपका है कि एक है कि किराए के भवन में संचालित जिला उद्योग केंद्र यदि अस्थाना भाव की समस्या से जूझ रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए किराया का नया भवन है ना समकक्ष प्राधिकार के अनुमोदन से ले सकते हैं। इसमें क्या है कि हो सकता है कि जो बहुत सारे लोगों का जो जिला उद्योग केंद्र है हर जिला में है, तो इसमें क्या है कि किसी का जो जिला उद्योग है तो अपना जो नहीं किराए पर है, तो वो क्या है हो सकता है कि वो जहाँ पे जो जमीन है जिस जमीन पे जिला उद्योग केंद्र स्थापित है तो वो किराया देने में मान लेते हैं कि सक्षम नहीं है, तो जहाँ लो में होगा यानी कि जहाँ पे रेंट कम लगेगा वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है कि बिहार दिवस जो है ज़ोर शोर से मनाया जाएगा, तो बिहार दिवस 2023 का आयोजन आपका 22 मार्च को, आपको पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही शायद जल दिवस होता है क्या, तो ये छोड़िए, तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च और 22, 23 और 24 मार्च को किया जा रहा है, बिहार दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान हर जिले में शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर चयनित छात्रों का इंडस्ट्रियल यूनिट परिभ्रमण कार्यक्रम संचालित करना सुनिश्चित करें, इसके लिए छात्रों का चयन और बस की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें कि हर जिले से कम 5 कंप्यूटर और ज़रूरी फर्नीचर हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है, नियमानुसार त्वरित क्रय सुनिश्चित करें। हर जिले में उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागीय तथा जिला के अधिकारियों के अलावा BRDA SIPB के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें इस इन्वेस्टर मीट में उद्यमियों को उद्योग विभाग द्वारा जो उपलब्ध कराई गई जा रही सुविधाओं की जानकारी विस्तार में दिया जाएगा। राज्य में नए उद्योगों को स्थापना के लिए 3 यहाँ पर देख सकते 3000 एकड़ भूमि तथा 11 औद्योगिक क्षेत्रों में 24000 वर्ग फीट इंडस्ट्रियल शेड उपलब्ध है, इसकी सूचना उद्यमियों को दी जाए। इसमें क्या है कि
सभी जिलों में उद्योगों के बारे में जानकारी देने के लिए जिला औद्योगिक सुविधा केंद्र खोले जाने के संबंध में विस्तार से निर्देश जारी किया जाएगा। पीएम एफएमई लोन के लिए इन्होंने बताया, क्या जो पीएम एफएमई लोन है इसके तहत आपको बता दें कि 1 मार्च 2023 को बैंक से 7800 से अधिक आवेदन बैंक में लंबित है, जिनमें से इसमें देखेंगे तो 3431 आवेदन 15 दिन से लंबित है। प्राप्त सभी आवेदन का बैंक स्तर पर निष्पादन मिशन मोड 15 मार्च तक करा लेना है, सुनिश्चित करा लेना है। आरसीटी से वैसे उद्यमियों को सूचित प्राप्त करना है कि जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर उद्यमिता प्रशिक्षण लिया है तो उसको नया उद्यम लगाने के लिए स्कीम के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 1 मार्च 2023 तक 1750 आवेदन ऋण स्वीकृत हुआ है पीएमएफएमई से, उसको कैंप लगा करके वितरण किया जाएगा। तो इस स्कीम के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, जीविका को के माध्यम से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विशेष करके है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो लाभुक राशि का नियमानुसार उपयोग नहीं कर रहे हैं उनसे राशि की रिकवरी की बात चल रही है, बार बार ये किया जा रहा है। तो जो सदुपयोग राशि का नियम तक कैसे खर्च करना है, प्रथम किस के राशि अगर मिल गया है तो द्वितीय किसके लिए आपको कैसे खर्च करना है, तो नियमता आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर नियमता वो नहीं खर्च कर रहे हैं तो आपको वो राशि आपसे वसूल किया जाएगा। जिस कार मान्यता आपको उद्योग लगाने के लिए राशि दिया जा रहा है, अगर आप उद्योग नहीं लगाएंगे तो राशि आपका रिकवरी कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि 4 मार्च 2023 को पटना के ज्ञान भवन में आपको पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो कैटेगरी सी के लाभुकों के लिए एक जो वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, उस वर्कशॉप में आपको बताया गया कि भाई जो बिजनेस कैसे करना है कि उस सेट के बारे में वहाँ पे विस्तार रूप से बताया गया। इसमें ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको देखेंगे कि एक लाइन है कि इस कार्यशाला में ही उनका मार्गदर्शन और ब्यारा क्षेत्र में भू आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022-23 के तहत जिन लोगों का चयन किया गया है 22-23 में, समझ रहे हैं, 1745 लोगों का प्रथम किस्त दिया जा चुका है। प्रथम किस्त 1745 का 2 माह के अंदर, अगर जिसका प्रथम किस्त मिल गया है, 2 माह का आपको समय दिया गया है, 2 माह के अंदर में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर लेना है। तदुपरांत वेरिफिकेशन होगा। पार्ट टू जो दूसरा चरण का प्रशिक्षण होगा, उसके लिए प्रशिक्षण के बाद द्वितीय किस्त की राशि आपको दिया जाएगा। तो इस संबंध में आदेश यहां पर निर्गत किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021-22 के लिए पूर्णिया हो गया, जमुई, पटना और मुजफ्फरपुर जिलों में बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र जो वेरिफिकेशन का काम पेंडिंग है, यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र बहुत से लाभुक अपलोड कर दिए हैं लेकिन उनका पेंडिंग है, वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये पर जो लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार का जो भी लापरवाही है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी हर हाल में जो पेंडिंग वर्क है उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र को जल्दी से जल्द अप्रूव करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो लाभार्थियों द्वारा दिए गए जो इनवॉइस की सैंपल जांच है, ये समझिए जो इनवॉइस जो हम वहाँ पर लिखा था उपयोगिता प्रमाण पत्र जब आप खरीदने जाएंगे तो इनवॉइस की सैंपल जांच वहाँ पर होगा, तो उसको जांच करके आपको देगा। अगर इसमें ऐसा क्यों लिया गया, क्योंकि इसलिए लिया गया कि इसमें क्या है कि बहुत सारा लोग क्या कर रहे थे कि गलत यूसी बिल दे रहे थे, इनवॉइस गलत दे रहे थे, इसके कारण ऐसा हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के मशीन की खरीद से संबंधित इनवॉइस को जांच के लिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, और ये इसको कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। तो यही बात है मेरे भाई कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो लाभार्थी है, इनवॉइस की सैंपल जांच आवश्यक है, बहुत ही ये कड़ा शासन यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के मशीन की खरीद से क्लियर कर दिया है, से इनवॉइस को जांच के लिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। जब कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा वहाँ पर देखेगा भाई हाँ सही में जो इनवॉइस जो है सही बिल है कि क्या है नहीं है, तो आप पकड़ा जाएगा। तो आप ये सब बंद कीजिए, सही इनवॉइस आपको देना है।
इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 21 से 22 के सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थलीय जांच जो होगा वो 15 मार्च 2023 तक पूर्ण कर ली जाए और 31 मार्च तक द्वितीय किस्त जारी कर दिया जाए। द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के 2 माह के अंदर तृतीय किस्त आपको दिया जाएगा। बहुत ही अहम यहाँ पे ये नोटिस है कि 15 मार्च तक आपका असल वेरिफिकेशन हो जाएगा, 31 मार्च तक आपका द्वितीय किस्त की राशि दिया जाएगा, द्वितीय किस्त की राशि के लिए फिर आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे तृतीय किस्त के लिए। तो तृतीय किस्त की राशि आपका जब द्वितीय किस्त का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे तो 2 माह के अंदर तृतीय किस्त आपका भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 किस्त में आपको दिया जाएगा। पूर्णिया जिले से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब जिला के अधिकारियों की लापरवाही और गलत मंशा के कारण पूर्णिया जो जिला महाप्रबंधक था उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद पीएम जीपी लोन के लिए इन्होंने बताया कि जो 17 जिलों में स्वीकृत ऋण की 100% हो चुका है, शेखपुरा, मुंगेर और सिवान प्रथम 3 स्थानों में है, लेकिन टॉप जो 3 में है PMEGP लोन में, यानी अच्छा खासा शेखपुरा, मुंगेर, सिवान में है। इसके बाद सारण हो गया, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सबसे खराब प्रदर्शनीय है, तो इसके लिए इसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और जितने भी सभी बैंकों को इस योजना के तहत जो स्वीकृत राशि है और जो मार्जिन मनी क्लेम करने का निर्देश दिया जाए और जिला स्तर की हर बैठक में उसकी समीक्षा किया जाए। तो मार्जिन जो मनी रिलीज किए जाने के मामले में मधेपुरा, कैमूर और कटिहार, सीतामढ़ी, अररिया जिलों की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई तो इस प्रकार से ये देख लेंगे। स्टार्टअप स्कीम के बारे में इन्होंने बताया कि जो हर जिले में स्टार्टअप जागरूकता हेतु चयनित जो कॉलेज है संस्थान में स्टार्टअप सेल बनाया जाए और एक कैलेंडर बनाकर जागरूकता कार्यक्रम चला जाए। स्टार्टअप स्कीम के बारे में इन्होंने बताया जिसका समन्वय में स्टार्टअप सेल द्वारा किया जाएगा और जो जिला मुख्यालय में को वर्किंग स्पेस का निर्माण किया जाए जा सकता है। इसके लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा को वर्किंग स्पेस के लिए, है ना, जिला मुख्यालय को बनाया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि आपको पता है कि जो ये मात्र जो मोरिया लोक है वो है, उसके अलावा और भी जगह इसको धीरे धीरे विस्तारित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।